भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार 17 जुलाई 2023 सोमवार के दिन श्रावण का सोमवार है और उस दिन सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या और श्रावण सोमवार का महासंयोग निर्मित हो रहा है। तो आज हम आपको सोमवती अमावस्या की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु बाबा ने कहा कि इस कन्या की हस्तरेखा में विवाह योग्य है ही नहीं, यानी इसकी विवाह की रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से उपाय पूछा कि इस कन्या के विवाह योग बन जाए, ऐसा क्या उपाय किया जाए। साधु बाबा ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नामक एक धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ निवास करती है और वह बहुत ही आचार विचार और संस्कारवान, संपन्न तथा पति परायण है। साथ ही वह सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करती है, तुलसी का पूजन करती है। पीपल एवं तुलसी की पूजा करने से उसके अंदर बहुत अधिक पुण्य एवं शक्ति उसे प्राप्त हो चुकी है। यदि यह कन्या जाकर के उनकी सेवा करे और उस महिला की मांग का सिंदूर कैसे भी यह प्राप्त कर ले, तो इस कन्या का विवाह योग बन जाएगा। और यदि इसके भाग्य में विवाह का योग नहीं है, वैधव्य योग है, तो वो भी समाप्त हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं पर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल ही उठ करके सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके वापस सुबह जल्दी घर पर आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, कहा माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर के सारे घर के काम खुद समाप्त कर लेती है, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद वापिस चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुप करके मेरे घर की चाकरी और सेवा क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु के द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था और वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति का स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, वो अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उस सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से नीलाजन ही चली गई यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा और उसकी परिक्रमा देकर ही मैं जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा देकर के पीपल की परिक्रमा दी, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही
उसका मृत पति वापस जीवित हो उठा। धोबिन का पति जब जीवित हो उठा तो उसने जाना कि यह सोमवती अमावस्या का ही प्रताप है और सोमवती अमावस्या की कृपा से ही उसके पति को लंबी आयु प्राप्त हुई थी। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो भी माताएं बहनें प्रत्येक अमावस्या के दिन भंवरी देती है, पीपल की परिक्रमा करती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर के सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा प्रचलित है कि पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान पान हल्दी सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल मिठाई सुहाग की सामग्री और भोजन की सामग्री की भंवरी दी जाती है। फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को या ननन को या भांजे या भांजी को दिया जाता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन आपको तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, पीपल की पूजा करनी चाहिए और उनकी 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा लगाने के बाद में आप दान पुण्य करें और इस दिन पेड़ों की पूजा जरूर करें, क्योंकि हरियाली अमावस्या है और पेड़ की सुरक्षा का संकल्प करें। यदि आप अपने घर के पितृ दोषों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने पितरों की स्मृति में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ों की रक्षा का संकल्प आपको करना चाहिए और जो मनुष्य हरियाली अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करता है, पेड़ लगाता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है। साथ ही पेड़ों की रक्षा का संकल्प भी इस दिन करना चाहिए। सोमवती अमावस्या का महापर्व है, इस दिन आप भगवान शंकर जी का विशेष पूजन अर्चन करें। पितरों के निमित्त भी आप पितृदोष शांति कर सकते हैं। पितरों के निमित्त तर्पण करें, श्राद्ध करें, ब्राह्मण भोजन करवाएं और पितरों के निमित्त यदि आप भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन सामग्री का दान करें या सीधा सामग्री आटा दाल चावल का दान करें और यह वस्तु भी आप नहीं दे सकते हैं तो इस हेतु नगद धन राशि भी यदि आप ब्राह्मण देवता को प्रदान कर देंगे तो भी आपको सोमवती अमावस्या हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त होगा। और इस दिन चूंकि श्रावण का दूसरा सोमवार है तो आप भोले बाबा का अभिषेक पूजन अर्चन करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाए और विधिवत शिवार्चन करें, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करें तो निश्चित तौर से भोले बाबा आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।